नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में एनटीपीसी द्वारा प्रदान की गई 10 एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी को निर्देश दिए कि जनहित को देखते हुए सभी एम्बुलेंस पर्वतीय जनपदों के दूरस्थ क्षेत्र में तैनात किए जाएं, ताकि आम जनमानस को बीमारी के दौरान उपचार कराने में इन एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के विरुद्ध राज्य सरकार की लड़ाई में केंद्र सरकार के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों द्वारा भी निरंतर सहयोग किया जा रहा है। यद्यपि कोविड-19 महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कारगर कदम उठाए गए हैं, परिणाम स्वरूप राज्य में कोविड-19 प्रभावित मरीजों की रिकवरी रेट में तेजी से सुधार आया है, लेकिन अभी भी इस संक्रमण पर पूर्ण नियंत्रण राज्य सरकार के लिए अत्यधिक सतर्कता का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस महामारी के दौर में केंद्र सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी द्वारा उत्तराखंड को 10 एम्बुलेंस तथा 10,000 पीपीई किट उपलब्ध कराने के लिए आभार व्यक्त किया। एम्बुलेंसों के लोकार्पण कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव श्री अमित नेगी, श्रीमती राधिका झा, महानिदेशक डॉ अमित उप्रेती, एनटीपीसी के सीनियर मैनेजर के एस टोलिया आदि उपस्थित रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए देहरादून से ब्यूरो की रिपोर्ट।